हेलो, स्वागत है मेरे चैनल ओनली स्टडी मटेरियल पे। आज सिंडिकेट पीओ का पेपर था, उसका एनालिसिस करते हैं हम जल्दी से जल्दी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, और इसमें वोकैब ट्रिक्स वगैरह आगे आने वाले पेपरों के लिए दे रखी हैं। और अभी एनालिसिस करते हैं पहले रीजनिंग। रीजनिंग आई है मॉडरेट लेवल, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसको। इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट आए थे, इसके चार सेट थे। और इसमें रैंडम अरेंजमेंट वाला आया था, आई एट पीपल जैसे वर्किंग, और सिलोजिम हो गया। सिलोजिम में जैसे वो आते हैं कैन नेवर, डाटा सफिशेंसी वाले इसमें देखने को मिले। इनक्वालिटी इजी थी, इसमें 5 क्वेश्चन इनक्वालिटी के मिल गए। इनपुट आउटपुट भी इजी थी, 5 क्वेश्चन इसमें थे। और पैसेज इन्फ्रेंस इसमें 2, ये दोनों मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट थे। ऑर्डर रैंकिंग हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, और ये मतलब ओवरऑल जो रीजनिंग थी ये एक मॉडरेट लेवल की आई थी। इसमें आप जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें आप यानी कि ये कर सकते हो सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और इसके बाद क्वांटिटेटिव मैथ, मैथ मॉडरेट आया था, मैथ इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। और इसमें जो डीआई थी वो 4 सेट आए थे, ये इजी इजी थे, मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हो। जो 20 आए थे ये 4 सेट, इसमें पाई चार्ट था, लाइनर था, टेबुलर कंपेरिजन जैसे होते हैं कंपेरिजन परसेंटेज में, वैसे मोर देन लेस देन ये कंपैरिजन, ये क्वेश्चन आए थे। और डाटा सफिशिएंसी मैथ में आती है, पहले भी आती थी। और मिसिंग नंबर के 5 क्वेश्चन आए थे, ये थोड़े से मतलब हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, ये मिसिंग नंबर थे। और इसके बाद हम जो बात करते हैं इंग्लिश जो थी वो तो डिफ़िकल्टी रहती है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी ये इंग्लिश। इसमें जो कंप्रीहेंशन थे ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, और 20 आए थे ये डिफ़िकल्ट। और डबल फिलर ये भी थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, 5 एरर इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, और ये आए थे 10। रीअरेंजमेंट हो गया, फ्रेज ये काफ़ी टफ थे, ये फ्रेज थे जो इसको टफ बोल सकते हो आप, तो ये फ्रेज वर्ब आप इसकी तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद आगे जनरल अवेयरनेस, ये मॉडरेट थी। इसमें जो फेब के मतलब जनवरी फरब के फरवरी के करंट अफेयर्स देखने को मिले हैं, और ये आसान थे। और 7, 8 जो एब्रीवेशंस देखने को मिली, ये आप जितनी भी एब्रीवेशन हैं जैसे यूएन की जितनी भी एब्रीवेशन है वो आप याद कर लीजिए, या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की याद कर लीजिए, ओपेक वगैरह जो भी है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था, ओवरऑल जो पेपर का जो एनालिसिस है वो मेरे हिसाब से मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है पेपर, तो सबके लिए है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट अगर होगा तो आप तैयारी कीजिए अच्छी तरह से। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे। और मैं डिस्क्रिप्टिव का भी एनालिसिस लेके आऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।